कारों और टू व्हीलर्स की कीमतों पर जल्द ही महंगाई का चाबुक चलने वाला है। आने वाले दिनों में छोटी कारें, एसयूवीज, सेडान कार से लेकर स्कूटी और मोटरसाइकिल तक सब महंगे होने वाले हैं। दरअसल वाहनों को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान के दाम बढ़ने से कंपनियों की कीमतें बढ़ने जा रही है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस इजाफे के बाद बीते 16 महीने में पांचवी बार मारुति की कीमतें बढ़ेंगी। दरअसल बीते 1.5 से 2 साल में लागत में तेजी से इजाफा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील, कॉपर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, पैलेडियम जैसे रेयर मेटल्स की कीमतें तेजी से बढ़ी है। ये सभी मेटल्स कार बनाने में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी भी वाहन को बनाने में 75 से 78% लागत मटेरियल की होती है। ऐसे में इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनियां इस बोझ को ग्राहकों पर लाद रही हैं। ऑटो कंपनियों के मुताबिक फाइनल प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने की 3 मुख्य वजह है, जिनमें पहले नंबर पर है स्टील के बढ़ते दाम, जो पिछले 1 साल में 50% से ज्यादा महंगे हो चुके हैं। सेमीकंडक्टर की कमी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की दूसरी वजह है, जो कोरोना काल में सप्लाई और डिमांड की वजह से मुश्किल का सबक बन गई है। कई कंपनियों को खराब मौसम और महामारी की मार के चलते अपने प्लांट बंद करने पड़े। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से हालात और नाजुक हो गए, जिसकी वजह से कार कंपनियों को ज्यादा दाम में सेमीकंडक्टर्स को खरीदना पड़ रहा है। कीमतों में बढ़ोतरी की एक वजह ट्रांसपोर्टेशन का महंगा होना भी है, जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से महंगा हो गया है। इन सभी के साथ बाहर से आने वाली गाड़ियों पर टैक्स भी ज्यादा लग रहा है। इन सभी चीजों का असर फाइनल प्रोडक्ट की कीमत पर पड़ रहा है। ऐसे में इनका बोझ खुद उठाने की जगह ऑटोमोटर्स ग्राहकों पर ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे अब कार चलाना महंगा होने के साथ साथ खरीदना भी महंगा होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।